एक ओर डॉक्टरों को पृथ्वी का भगवान कहा जाता है तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में डॉक्टर के द्वारा मरीज के बहते हुए खून को भी नजरअंदाज किया जाता है, जिसकी तस्वीरें हर रोज देखने को मिलती है। यही कारण है कि इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों से हर रोज तीमारदारों की भिड़ंत होती है और हर रोज तमाम घटनाओं के कारण डॉक्टरों के मनोबल बढ़ते नजर आते हैं। आज भी एक तीमारदार अपने मरीज को लेकर अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो मरीज के ज्यादा खून बह जाने के कारण उसके द्वारा डॉक्टर से जल्द इलाज करने की बात कही गई। इस बात को लेकर डॉक्टर के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई और इसी बात पर डॉक्टर और मरीज में कहासुनी हो गई। आरोप है कि तीमारदार के द्वारा डॉक्टर के साथ हाथापाई कर ली गई। वहीं आरोप यह भी है कि डॉक्टर के द्वारा भी तीमारदार के साथ हाथापाई शुरू करने के बाद पुलिस केस उपर्द करते हुए इमरजेंसी सेवा का ठप्प कर दिया गया है, जिसके चलते दर्जनों मरीज बेरंग लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इससे नाराज होकर तमाम मरीजों के द्वारा डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष मोहसिन मेवाती के द्वारा डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि जिस तरीके से हर रोज डॉक्टरों के द्वारा तीमारदारों के साथ बदसलूकी की जाती है, इसको लेकर कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। जहां एक और डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को सही से इलाज नहीं किया जाता है, तब तीमारदार इस चीज का विरोध करते हैं तो डॉक्टर के द्वारा मारपीट की जाती है और कामकाज बंद करते हुए इमरजेंसी सेवा को ठप कर दिया जाता है। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी सेवा ठप होने से हालत बिगड़ने नजर आ रही है। जहां एक और पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं इसके बाद भी डॉक्टर बैकफुट पर जाने से तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर अलग अलग जिले के पहुंचे हुए मरीजों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वह अलग अलग जिले से आए हुए जिला चिकित्सालय के द्वारा उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन यहां पर्चा लेकर हाथों में घूम रहे हैं। कोई भी डॉक्टर इलाज के लिए तैयार नहीं है। इमरजेंसी सेवा ठप होने के कारण कुछ मरीजों की हालत बिगड़ती हुई नजर आई, लेकिन पृथ्वी के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर इमरजेंसी सेवा को शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। मरीजों द्वारा डॉक्टर को लेकर कठोर कानून बनाए जाने की बात कही है। पूरे मामले में कैमरे पर बिना बोलने पर डॉक्टर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि रोज डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना होती है, जिसको लेकर कोई भी सुरक्षा कर्मी यहां तैनात नहीं है। डॉक्टर को सुरक्षा कानून की जरूरत है, तब कोई सुरक्षा कानून या फिर सुरक्षा कर्मी यहां तैनात नहीं रहेंगे, तब तक हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। भुवनेश वर्मा की रिपोर्ट। सबसे ये कह दिया अपने अपने मरीजों को अर्बन में लेके जाओ या कहीं भी, यहाँ कोई डॉक्टर देखेगा नहीं। क्यों ये बता रहे क्यों नहीं देख रहे? हड़ताल पर है, हड़ताल पर डॉक्टर चले गए जी। हाँ, यहाँ इमरजेंसी में कोई नहीं देखेगा, कहीं भी जाओ लेके सबको निकाल। आधे 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 इलाजों से आधे आधे परेशानियों से भाग रहे हैं पब्लिक और कोई नहीं देख रहा। हमें कोई पता नहीं चली, यहाँ का भी गेट लगा दिया और अंदर के भी गेट लगा दिया, बस भीड़ जमा देखी थी, ये पता नहीं चली बात क्या हुई है। पर मरीजों को सबको निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मेवाती है। क्या हुआ यहाँ पर, किस तरीके का मरीज को लेके आए? यहाँ मरीज को लेके आए थे एक साहब, उनका यहाँ तमाम ब्लड फ्लड निकला हुआ था। वहाँ कुछ उन्होंने कहा था कि इसको देख लो सही से, तो डॉक्टरों ने अपना कुछ एटीट्यूड दिखाया जैसे हमेशा दिखाते हैं डॉक्टर। तो वहाँ कहा सुनी हुई, कहा सुनी में जब आप किसी के मरीज के ऊपर कुछ बीत रही हो तो उसके परिजन घबरा जाते हैं। अब घबराए में हाथ फाट उठ गया, उसको लेके डॉक्टरों ने के साथ मार दिया। हाँ डॉक्टर नहीं, हाथ फाट छूट गया, जो भी हुआ डॉक्टर के पड़ गया है, उसको लेके और डॉक्टर आ गए, डॉक्टर वाले आ गए। वहाँ पर जो है फिर लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद उस मरीज़ को यहाँ से रेफ़र कर दिया गया और परिजनों को वो कर दिया गया। लेकिन डॉक्टरों का वो ये हमेशा कि अगर कुछ भी हल्का सा काम हो जाए वो एक मिनट में स्ट्राइक पे चले जाते हैं। जो आम जनमानस है उनको तकलीफ कहीं ना कहीं पहुँचती है। गरीब जो यहाँ पर आ रहा हो आए हैं, जो गरीब लोग यहाँ पर अपने पेशेंटों को लेके आ रहे हैं, उन्हें यहाँ से लौट के जाना पड़ रहा है। और मरीज लौट के लेके जा रहे हैं? हाँ, अभी आप देख नहीं रहे? हाँ नहीं, अभी कहाँ देखें, आपके सामने ले गए दो तीन लोग, एक भी डॉक्टर नहीं देख रहा। ऊपर पेशेंट, एक पेशेंट खुर्जा से आ रहा था, अभी हम लोग एडमिट कराने आए बच्चे को, उस बच्चे को मना कर दिया कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, डॉक्टर स्ट्राइक। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर? बहुत परेशानी है, आप जाके देखिए, दर बर दर मरीज भटक रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, यहाँ पर मना कर दी जा रही है, वो यहाँ से जा रहे हैं। अब कुछ जो 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 गरीब स्तर के हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, वो लोग कहीं नहीं ले जा पा रहे हैं, वो लोग बैठे हैं यहाँ पर इसी आस में कि ये लोग स्ट्राइक ख़त्म करें और हमारा इलाज करें।